बुधवार को भदोही जनपद के ढीक विकास खंड अंतर्गत विमल सिंह डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय ने जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानों का उत्पीड़न किया जाएगा तो हम प्रधानों के साथ सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं उपस्थित प्रधानों को संबोधित करते हुए बताया कि आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन एबीपीएस न्यूज चैनल लेकर आया है, जिसके माध्यम से आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और इसी के साथ वर्तमान उत्तर प्रदेश शासन सहित भारत सरकार को यह दिखाने का प्रयास भी करेंगे कि अगर प्रधानों की मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार ना किया गया तो होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने के लिए वर्तमान सरकार तैयार रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुमंत मौर्य, मिर्जापुर मंडल प्रभारी श्याम बिहारी यादव, जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह सहित दर्जनों प्रधान उपस्थित रहे। आप अंदर मीटिंग किए गए होगा वो होगा और फिर नारा जो प्रधानों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, अपने आप सारे के सारे अधिकारी में लिखा हो जाएगा इनसे मोट टकरा, क्योंकि ये संगठित हैं। जो लोग संगठित होते हैं उनसे कम टकराते हैं और जो असंगठित होते हैं उनको दुख दर्द ज्यादा रहता है। डिग्री कॉलेज में उपस्थित समस्त प्रांतों का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश में ब्लॉकों पर बैठक प्रारंभ किया जा चुका है। हमें प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, हमारे पड़ोसी जनपद के श्याम बिहारी यादव जी हैं जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं, इन्हें भदोही जनपद की जिम्मेदारी दी गई है। अब यही जो हमारे 561 ग्राम प्रधान जो है जो हमारे किले के हैं, हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से माननीय मोदी जी से और माननीय महाराज जी से योगी से हम लोग मिलने जा रहे हैं कि ये आप सीडी ले लीजिए, हमारे जनपद भदोही के प्रधानों की यथास्थिति है कि हमारे जो कैबिनेट के लोग आपके गांव में जाएंगे, आप अपने जो इतना धरा है आप बताएंगे कि मैंने फलाद अमुक दरवाजे से इनके दरवाजे तक मैंने सीसी रोड बनाई, इनके दरवाजे मैंने खंजा बनाया, मैंने इतना हैंडपंप बनवा लगवाया, तो ये चीज आपके यहाँ आन कार्ड हो जाएगी। और तब जो है कल के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर आपका विरोध करता है तो क्योंकि जो चीज आप बनवाए बिगड़ भी सकता है, मिट्टी का आप काम करा है तो कल हम लोग फट लिया के रहते हैं, हम पूरा हमारा जनपद जो गंगा के तराई बेल्ट में रहता है जो बच भी सकता है, सड़क खराब हो जाएगी, लेकिन जो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा वह जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो जो व्यक्ति 20-25 दो घंटा आपके पक्ष में यहाँ बताएंगे कि प्रधानी ने अच्छा काम किया, हो सकता है कल वे वो आपके विपरीत चले जाए तो रिकॉर्ड रहेगा कि कल तक करते करते थे अच्छा काम कर रहा था, अभी कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लोकसभा चुनाव तो प्रधानी लोग बचे रहेंगे, क्योंकि भारत सरकार और सारे लोग क्या है कि अगर लोकसभा हारेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन लोकसभा के बाद में दावा है मेरा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने देखा है कि लोकसभा तक जो है नहीं और लोकसभा के बाद वो जांच शुरू हुई प्रधानों की कि श्रीवास चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति जो है एकदम नजदीक आकर के जो है तीसरी कमेटी में गठित हो गई। हम आपसे चाहते हैं कामेरे साथ चले, हम आपसे उम्मीद करते हैं कामेरे साथ चलेंगे तो मैं आप जो अधिकार आपको वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है हम दिलाने में पूरी तरह सफल होंगे। हम मोदी जी को और योगी जी को बता देंगे कि अगर 19 के पहले हम प्रधानों को आप 30,000 वेतन और 10,000 पेंशन नहीं देते हैं तो 19 के चुनाव में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी भी मंच से यह नहीं कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मैं किसी मंच से नहीं कहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी को करिए, न मैं किसी मंच से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को करिए, मेरी सिर्फ एक लड़ाई है, मेरी सिर्फ एक पार्टी, मेरी सिर्फ एक जाति है, वह है प्रधान। प्रधान मेरा भाई है, प्रधान मेरी पार्टी है, प्रधान मेरे लोग हैं, अगर किसी प्रधान को अगर उनका उत्पीड़न किया जाएगा तो हम यहाँ बर्दाश्त करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे।